नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एकलव्य विद्यालय में 38,000 पोस्ट आए हैं, जिसमें से आपका टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग के डिफरेंट आपके पोस्ट हैं, जैसे लाइब्रेरियन, आपके वार्डन, उसके बाद से जेएसए, एसएससी, इन सभी के बारे में मैं डिटेल एक एक करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बच्चों का ये कहना था कि सर पीजीटी के बारे में भी डिटेल बता दीजिए, एग्जाम पैटर्न बता दीजिए, सिलेबस क्या होगा और तैयारी हम कैसे करें ये भी बता दीजिए। तो देखिए, आपको अगर तैयारी करना है तो परीक्षा प्लस टीम जो है इसके लिए जो पार्ट ए है आपका एग्जाम जो होता है ना, ये पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। जो पार्ट ए होगा आपका वो चालू कर रही है टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए सेम है। तो जो लोग टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं वो पार्ट ए के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, पार्ट ए की तैयारी हम कराएंगे, आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। या नीचे जो नंबर चल रहा है 9450006007 और 9129970780 पर कांटेक्ट कर ले, आपको डिटेल में पता चल जाएगा इस बैच के बारे में। रही बात पीजीटी में कितनी वैकेंसी आ रही है, किस किस पोस्ट के लिए आ रही है, क्या अर्हता है आपकी और सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज क्या होगा, इन सब के बारे में चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो ये भी ग्रुप बी का है और यहां पे आपका इतना सैलरी है 47,600 आपका बेसिक बनेगा, इस पर 42% डीए मिलेगा, फिर एचआरए मिलेगा, तो अच्छा खासा आपका इनकम हो जाएगा। पोस्ट की बात करें तो 81,040 पोस्ट आपका बाकी सब सब्जेक्ट का है और 740 पोस्ट सिर्फ कंप्यूटर साइंस का है, ठीक है। तो ओवर 8,880 पोस्ट पीजीटी के भी है, लेकिन इसमें कुछ प्रमोशन से भरे जाएंगे और कुछ का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, वो हम बताते हैं। देखिए आप लोगों का ये नोटिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट रूल, अभी मेन नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये एक रिक्रूटमेंट रूल है कि क्या होगा। तो यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है हर एक विद्यालय में, जो ईएमआरएस विद्यालय हैं इनमें 11 पीजीटी टीचर की आवश्यकता है और उसमें आपके ये सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, ठीक। अब यहां पर देखो यहां क्या बोला है, एज की बात करें तो एज यहां पर मैक्सिमम आपका 40 साल है, ठीक है। बाकी एससी एसटी और ओबीसी को क्या होगा, जो रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है इनको 5 साल का देती है, इनको 3 साल का मिलता है, ये आपको मिलेगा। बाकी और भी जो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन एज वाला है वही लगेगा सेंट्रल वाला। बाकी जो ईएमआरएस एम्प्लॉई हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 55 साल है, वो 55 साल के लोग यहां पर भर सकते हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं पीजीटी के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका मास्टर होना चाहिए, ठीक है। एमए किस में होना चाहिए, आपका इंग्लिश में होना चाहिए, यह ध्यान रखिए, मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। हिंदी भरना चाहते हैं तो आपकी मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए, यह ध्यान रखिए। फिजिक्स भरना चाहते हैं तो फिजिक्स में आपकी मास्टर होना चाहिए। केमिस्ट्री का बनना चाहते हो मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होना चाहिए। मैथमेटिक्स का करना चाहते हो तो एमएससी मैथमेटिक्स होना चाहिए। बायोलॉजी का बनना चाहते हो तो एमएससी या तो बॉटनी से हो या जूलॉजी से हो या बायोलॉजी से हो, तो आप किसी से भी आपने अगर मास्टर डिग्री किया है तो आप बायोलॉजी के मास्टर बन सकते हो। हिस्ट्री का बनने के लिए आपका हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। और ज्योग्राफी का ज्योग्राफी होना चाहिए। कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा यहां पर दिया गया है कि कॉमर्स विथ अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, अगर आपने मास्टर डिग्री इन सब में किया है तब आप एप्लीकेबल हो। एम कॉम डिग्री आपने किया, अगर होल्डर ऑफ डिग्री एम कॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉट एलिजिबल। जो लोग एम ए किससे किए होंगे, अप्लाइड से या बिजनेस इकोनॉमिक्स से किए होंगे, वो एलिजिबल नहीं होंगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स में अगर आपने आपका एम ए जो है इकोनॉमिक्स से है तो आप जो है एलिजिबल होंगे। रीजनल लैंग्वेज में अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप एप्लीकेबल होंगे। तो ये तो वो हो गया, बाकी आपका क्या है, ये आपका पार्ट ए था। देखो यहां पर लिखा है पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए में तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब अगर बात किया जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा प्लस दूसरी बात क्या मांगा है, कैंडिडेट प्रोसेसिंग ए मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट एज मेंशन अबव विल ओनली बी कंसीडर एज ए
एलिजिबल, कि आप एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरा बी क्या मांगा है, बीएड डिग्री चाहिए, ठीक है, बीएड डिग्री चाहिए। लेकिन यहां बोला इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड फोर ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप इंटीग्रेटेड चार साल का कोर्स किए हो तो बीएड की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे आपका बीएड चाहिए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो बीएड भी आपका चाहिए, ये भी आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद से क्या चाहिए, हाँ उसके बाद से कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, सीटेड फिटेड नहीं बोला है जो टीजीटी में बोला था। उसके बाद से ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो पोस्ट आएगा वो पीजीटी कॉमर्स का, पीजीटी इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट 100% भरा जाएगा, मतलब ये एग्जाम के थ्रू पूरे पोस्ट भरे जाएंगे। लेकिन हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज का 50% आपका जो पोस्ट होगा प्रमोशन से भरा जाएगा और 50% का एग्जाम लिया जाएगा। अब कितने पोस्ट इनके आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, बाकी जो सब्जेक्ट होंगे इसके अलावा छोड़ के उनमें सिर्फ 25% प्रमोशन से भरा जाएगा और 75% का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ये पीजीटी का है, तो थोड़ा सा इसमें कम पोस्ट देखने को आपको मिल सकता है। बाकी ये जो प्रमोशन से भरा जाएगा उनके लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर टीचर की, जो पीजीटी कंप्यूटर टीचर है इसकी अलग से निकाली जाएगी। यहां पर 740 पोस्ट अलग है, ये भी सेम पेलेबल है आपका, इसमें भी एज वही है 40 साल, और रिलैक्सेशन आपको वही मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल मिलेगा। इसके लिए क्या है, हर जगह हम देखते हैं कि बीटेक अलाउ करता है, ठीक है, बीटेक अलाउ करता है, लेकिन यहां पर आपके ईएमआरएस में क्या किया गया है कि एमएससी मास्टर डिग्री अगर आपका है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में तब एप्लीकेबल हो, और बीसीए वाले एलिजिबल हैं, कोई एमसीए वाले, बीसीए उसी कुछ भी नहीं मांगा है। जैसे अदर में क्या होता है, बीसीए के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन मांग लेता है, डिप्लोमा अगर आपके पास है तो, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 डिग्री की बात किया है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो देखते हैं डिटेल में क्या देता है, लेकिन अगर यहां रिक्रूटमेंट रूल में दे दिया तो यही होगा, इसके अलावा चेंज नहीं करेगा, तो यह बहुत खतरनाक कर दिया। यहां पर एमटेक मांगा है, वो अभी कंप्यूटर साइंस और आईटी से, बाकी और कोई ब्रांच के बारे में बताया नहीं है, तो बस यहां पर एमएससी कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले, एमसीए वाले और एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी वाले भर सकते हैं कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी जो पीजीटी वाले हैं, बाकी अदर बीटेक विद कुछ भी हो वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो रिक्रूटमेंट होगा वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसके पूरे पोस्ट जो है एग्जाम कंडक्ट करा के भरे जाएंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया अहर्ता क्या क्या है इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न इसका जो है 160 क्वेश्चन होगा, ठीक है, टीजीटी में आपका 180 आता है, पीजीटी में 160 आता है, इसमें 40 मार्क्स का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, इसमें 40 मार्क्स का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ड्यूरेशन जो होगा एग्जाम का वो 3 घंटे का होगा, 180 मतलब टाइम जो इसमें मिलेगा आपको पेपर का वो 3 घंटा है, इसमें इंटरव्यू का भी है 40 मार्क्स। जनरल इंग्लिश उसमें भी 10 क्वेश्चन पूछा था, इसमें भी 10 पूछेगा। जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन पूछेगा। करंट अफेयर और आपका जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन। रीजनिंग के आपके जो बोला जाए, रीजनिंग जो आपका है इसका 15 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन पूछेगा और कंप्यूटर लिटरेसी के 5 प्रश्न पूछेगा, ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 20 प्रश्न पूछेगा। जो सब्जेक्ट नॉलेज वहां पर आपसे 100 प्रश्न था टीजीटी में, यहां पर सब्जेक्ट नॉलेज के जो है 80 क्वेश्चन है, तो 80 आपके यहां पर अभी भी ये वाले हैं, 80 क्वेश्चन आपका ये है जो एक तरह से बोला जाए आपके सब्जेक्ट कंसर्न से नहीं है, और 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट है, मतलब 50-50 का रेशियो है पीजीटी में, 50% ये आएगा, 50% आपका सब्जेक्ट आएगा, समझ गए। हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 मार्क का होगा और 0.25 आपका निगेटिव होगा इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको अगर पेपर अगर पार्ट हम 1 की बात करें, यहां तक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड की अगर आप तैयारी करना चाहते हो सब्जेक्ट को छोड़ के, कौन कौन से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड की अगर आप तैयारी करना चाहते हो,
तो ये पूरा का पूरा आपको चलाया जाएगा। परीक्षा प्लस ऐप आप इंस्टॉल कर लें, आप वहां पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका टीजीटी में भी सेम है और पीजीटी में भी सेम है, तो दोनों के लिए आपका यही बैच रहेगा। परीक्षा प्लस ऐप से आप देख सकते हैं इस बैच को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए, अब हम बात करें कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस आपका बाकी का नहीं, वही जनरल होता है, इंग्लिश हिंदी रीजनिंग कंप्यूटर का, लेकिन जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें आपका सिलेबस वही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना है, पेडोलॉजिकल कंसर्न होगा, कैरिकुलम आपको पढ़ना है, इसमें प्लानिंग पढ़नी है, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्स पढ़ना है, लेबोरेटरीज के बारे में पढ़ना है, लाइब्रेरी, ठीक है, म्यूजियम एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन के बारे में, एवोल्यूशन मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, उसके बाद से इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है, इसमें डिसेबिलिटी पढ़ना है, ये सब है आपका। फिर फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एंड स्पेशल प्रिफरेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड डिसेबिलिटी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं स्कूल के, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन के बारे में, कैसे आप कम्युनिकेशन करोगे, कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर आते हैं, क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन और लैंग्वेज क्या होंगे, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट काम आएंगे, उसका कॉन्सेप्ट, ये सब आपको पढ़ना है, किसमें, पेडागॉजी वाला जो पार्ट है, टीचिंग पेडागॉजी वाला, एप्टीट्यूड वाला, उसमें पढ़ना है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज आएगा, सब्जेक्ट नॉलेज में बोला है कि क्लास 12 सीबीएसई अनरिवाइज सिलेबस 2020-21, ये 2021 किस लिए बात किया है, क्योंकि ये वैकेंसी आई थी और कोरोना के कारण पोस्टपोन हो गई थी, फिर ये हुई ही नहीं, तो अब 2022 और 23 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस चल रहा है क्लास 12 का, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है सिलेबस विद द डिफिकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन। अब इसमें बोला है कि जो लेवल होगा वो आपके ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा, और टीजीटी में क्या बोला था कि 10th लेवल तक के सिलेबस रहेगा और उसकी डिफिकल्टी लेवल क्लास 12 तक रहेगी। तो ये आपका सब्जेक्ट का जो एक तरह से सिलेबस खोला नहीं गया है, सब्जेक्ट के सिलेबस के जो लेसन है, एक तरह से जो चैप्टर जिसको बोलते हो ना, तो जो भी आप सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हो, मान लो मैथ से अप्लाई करना चाहते हो, तो मैथ में जो भी चैप्टर आपके क्लास 12th में है उस चैप्टर को आपको पढ़ना है, है ना, लेकिन उसका एक तरह से लेवल जो होगा वो ग्रेजुएशन बेस्ड का होना चाहिए, ये बात की गई है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा पीजीटी के बारे में रहा कि आपका क्या रहा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न में भी बता दिया मैं, और पीजीटी में आपका 40 नंबर का इंटरव्यू भी कंसीडर किया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो साथ ही साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको वही पूछेगा, इंटरव्यू में भी पूछेगा, ठीक है। पेपर आपका 3 ही घंटे का है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन टीजीटी से कम है, 160 क्वेश्चन 3 घंटे में आपको करना है। तो जो बच्चे पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और किसी ना किसी कारणवश आपका केवीएस का पीजीटी गड़बड़ हो गया, तो आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है, अच्छा खासा पोस्ट आ रहा है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका पोस्ट आ रहा है, जितना इसमें दिया गया उन सभी सब्जेक्ट से पोस्ट आएंगे, तो आपके लिए एक बार फिर से अच्छा खासा सुनहरा मौका मिल गया है। तो आप अपना सब्जेक्ट तो पढ़े ही होंगे, ऑलमोस्ट उसी केवीएस के लेवल का ही पेपर इसमें भी बनेगा, तो आप अपने जो है तैयारी को जारी रखें, और जो नॉन टीचिंग वाला पार्ट है, जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न नहीं है, उसके लिए अगर आप तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप परीक्षा प्लस टीम से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पे आपको जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो पार्ट है आपका पेपर का, उसका बैच चलेगा, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि दोनों में सेम उतने ही प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और टॉपिक भी आपका सेम है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।